आपकी अर्निंग कितनी होती है आज, मंथली कितना आप अर्न करते हो यूट्यूब से? देखिए यूट्यूब पर एक बात होती है, आपकी व्यूज पर डिपेंड करता है। यूट्यूब पर कभी आपको एक रुपया भी नहीं मिल सकता है, तो कभी 5 लाख रुपया भी मिल सकता है। तो मेरी जो अर्निंग है 30,000 के करीब हो जाती है, मंथली 30,000। तो गाइस वेलकम बैक। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा एक यूट्यूबर से जिसने 6 महीने के अंदर 3 मिलियन सब्सक्राइबर अपने चैनल पर क्रॉस किया, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। और आज इनसे मिलाऊंगा, आपको इनसे थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसने इतना ग्रो कैसे किया, बहुत ही जल्दी इसने ग्रो किया, और आप इनसे थोड़ा बात करेंगे। आज नाम क्या है आपका? मेरा नाम निशात है और आज मेरे चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जी, कब स्टार्ट किया था? मैंने शुरुआत की थी 19 दिसंबर 2020 में। 19 दिसंबर 2020। कैसा लग रहा है आपको ये सब्सक्राइबर क्रॉस करके? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने माँ बाप का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा ड्रीम था यूट्यूब पर कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। मैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर कभी भी नहीं आया, तो अब मेरा जो ड्रीम है वो है 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स करने का। जी, 1 करोड़ सब्सक्राइबर। आप रोज वीडियो अपलोड करते हैं? हाँ, जब तक मैं वीडियो ना अपलोड कर दूँ तब तक मुझे मजा नहीं आता, मतलब शौक है। अच्छा, आप हमें बताइए थोड़ा, आपकी अर्निंग कितनी होती है आज, मंथली कितना आप अर्न करते हो यूट्यूब से? देखिए यूट्यूब पर एक बात होती है, आपकी व्यूज पर डिपेंड करता है। यूट्यूब पर कभी आपको एक रुपया भी नहीं मिल सकता है, तो कभी 5 लाख रुपया भी मिल सकता है। तो मेरी जो अर्निंग है 30,000 के करीब, मंथली 30,000। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा माइलस्टोन क्रॉस करके आपको आज कैसा फील हो रहा है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा ड्रीम था 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब जो मेरा आगे का, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अच्छा, आप हमें बताइए, आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड करोगे कि शॉर्ट? मुझे लगता है आजकल लोग सिर्फ शॉर्ट्स पर ध्यान देते हैं, लॉन्ग पर नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अगर आप 15 मिनट में किसी को बताओगे वो वीडियो कभी नहीं देखेंगे, लोग हमेशा 1 मिनट का वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज कल टाइम नहीं है। अच्छा, 1 फरवरी से शॉर्ट्स पे भी अब मोनेटाइजेशन हो गया है, अभी अब आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी शॉर्ट्स से? वो तो है, मतलब 5 गुना ज़्यादा होगी ये हम कह सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आपको शॉर्ट्स फंड मिला था यूट्यूब से? हाँ, शॉर्ट्स फंड मिला था, और इसमें स्पॉन्सरशिप भी हम कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप को पता है, वो मुझे भी आती है। आपको मिलती है स्पॉन्सरशिप? मुझे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स मिली थी लेकिन मैंने नहीं की। विंजो गोल्ड, वन मिन, स्किल क्लैश, रूटर, बहुत सारे हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपने मतलब यूट्यूब पे आने के लिए क्या सोचा? जब मैंने शुरुआत की थी YouTube की, तो मेरे पास उस वक्त Redmi 5 का फ़ोन था, ना उस पर अच्छा डिस्प्ले चलता था, ना उस पर अच्छी एडिटिंग होती थी। लेकिन मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची कि मुझे YouTube क्विट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं कंटिन्यू करूँगा ना, एक ना एक दिन सक्सेस मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बींग अस, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।